चीज छोड़ के गई थी वो आज बताऊंगा क्या खाई के साथ। जैसे मैंने आपसे बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन डिड के साथ हमेशा काय की बताई मैंने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर डिड लगता है चाहे वो अफर्मेटिव में लगे, चाहे आपका निगेटिव में लगता है, चाहे आपका इंट्रोगेटिव में, तो ये मान के चलो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर डिड नहीं लगता, चाहे आपका अफर्मेटिव में ना लगता हो, चाहे आपका निगेटिव में ना लगता हो, और चाहे आपका इंट्रोगेटिव में, अगर डिड का प्रयोग नहीं होता इन चीजों में, अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, डिड का प्रयोग होता है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, नहीं होता है तो कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना, तो डिड के साथ सदैव फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता। ठीक है ना, डिड के साथ हमेशा काय का फॉर्म प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म। जिन वाक्यों में यदि अफर्मेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं होता है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, यदि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं होता तो हम काय का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अगर होता है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, अगर इसमें जो है अफर्मेटिव वाक्य, निगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य में डिड का प्रयोग होता है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, नहीं होता है तो सेकंड फॉर्म आएगी। तुम कैसे, जैसे मान लो आपका अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव वह पुस्तक पढ़ता तो था, वह पुस्तक पढ़ता तो था, तो क्या करेंगे इसमें हम, ही डिड रीड द बुक। He did read the book. तुम खेलते तो थे या वे खेलते तो थे, तो दे आया, did आया, प्ले, ये आपके अफर्मेटिव हो गए। निगेटिव की बात आती है, निगेटिव में क्या करेंगे, वह कभी झूठ नहीं बोलता था, वह कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है ना, तो ही नेवर, ठीक है ना, टोल्ड ए लाई, सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, वाक्य आपका निगेटिव है,
निगेटिव होने के बाद भी आपका इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, जबकि निगेटिव वाक्य में अब तक आपने क्या फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। लेकिन मैंने बताया कि डिड आएगा तो फर्स्ट लगेगी, डिड नहीं आएगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी। वे कभी तुम्हारी सहायता नहीं करते थे, वे कभी तुम्हारी सहायता नहीं करते थे, वे सही है ना, नेवर हेल्प, तो हेल्प हो जाएगा यू। इस तरह आपका क्या हुआ, इंडिकेटिव वाक्य बने। अब आते हैं आपके इंट्रोगेटिव, कौन से आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में केवल एक ही वाक्य होता है हु वाला, जिसमें कौन शब्द आता है, ठीक है ना। हु वाले वाला वाक्य यदि अफर्मेटिव बनाना हो तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हु वाला वाक्य अगर आपको अफर्मेटिव बनाना है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हु वाला वाक्य यदि निगेटिव बनाना हो तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे बात याद की है, ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको निगेटिव बनाओगे तो डिड का प्रयोग होगा इसमें, जब डिड का प्रयोग होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएंगे, ऊपर वाले में डिड का प्रयोग होने का नहीं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता, ठीक है ना, तो क्या करेंगे इसमें भूल जाए, पढ़ाने की टीच है और टीच की सेकंड फॉर्म क्या है टॉट, टी ए यू जी एच, ये सेकंड फॉर्म टॉट यू इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता, सेकंड फॉर्म आगे ना आगे, तुम्हारी सहायता कौन नहीं करता था, तुम्हारी सहायता कौन नहीं करता था, तो वो आया डिड नॉट हेल्प यू। तो इस तरह आपका जो है, ठीक है ना, ये निगेटिव बन गया आपके या अफर्मेटिव बना है, दोनों इंट्रोगेटिव ही, लेकिन हमने इंट्रोगेटिव बनाया अफर्मेटिव में और इंट्रोगेटिव बनाया निगेटिव में। निगेटिव में बनाएगा डिड का प्रयोग होगा, जब डिड का प्रयोग होगा तो ऑटोमेटिक फर्स्ट फॉर्म आनी है, इसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा तो ऑटोमेटिक आपकी सेकंड फॉर्म आनी है। तो ये परिवर्तन इसमें आपका है, तो बार बार आप पढ़ो, इसे देखो, ठीक है ना, उतारिएगा।